अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक आज के प्रोग्राम ऐसा गल करे सूँ मुल्तान दे वेच जिहड़ी चोरी डकैतियां हैं किवें उन्दे वेच इजाफा थींदा पिया, जिहड़े शहरी हैं पे वह अदम तहफुज का शिकार हैं, पुलिस है कि उन्दे कान ते जूं तक नहीं रिंगदी, किवें जिहड़े कीमती अशिया हैं पे उन्हां करे ये मुल्तान के शहरी मुल्तान के वासी मुल्तान के रिहायशी महरूम थींदे पैन। आए रोज़ रात के टाइम जिवें अंधेरा थींदा है मुख्तलिफ मकामात दे उते, पुलिस का दावा है कि असां गश्त करेंदे हैं मगर असां हुण भी विजिट किया साकू कितें जिहड़ा है ना पुलिस का गश्त नज़र नहीं आया। जिहड़े सुनसान जगह होंदी है जितां लाइट नहीं आउंदी उतां जिहड़ा है चोरियां डकैती चोर खड़े होंदे ने, डकैत खड़े होंदे ने, बा आसानी वह डकैती करके फरार थीवन विच कामयाब थी वेंदे ने। सीसीटीवी फुटेज भी आईआं, मुकदमात भी दर्ज थींदे ने मगर अज तक कोई चोर डकैत पकड़ा नहीं गया। इवें ही असां इंदे उते गाल करे सूं, असां लोगों कने जान सूं के इंदे उते क्या आखदे ने ते किवें तमाम तरजीह ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये दसे सो के गुलशन मार्केट अक्सर तुसां रोड ब्लॉक किते ने, अक्सर जिहड़ा ना इत्थां ओ आखदे ने के डकैती थी गई है, क्या अज तक कोई हल निकल सके? देखो जी, वारदातें तो बहुत बढ़ गई हैं, अब हर जगह वारदात है, जहाँ जाओ घर से निकलते हैं आगे डाकू खड़े हैं, मोटरसाइकिल ना दो तो गोलियाँ दिखाते हैं, नहीं देंगे तो जान से जाएंगे, मजबूरी देनी पड़ती है। अब मैं ये मेरा पुलिस वालों से मुतालबा है कि इनको ये चाहिए कि जगह जगह नाके लगा दें। गुलशन मार्केट चौक है हमारी, हयात चौक है बड़ा, थाना चौक है, रहीम चौक है, इधर दो दो अहलकार भी खड़े हो जाएं तो इंशाल्लाह ये मसला रुक सकता है। ये तो इनको चाहिए ना। अब हमारे इलाके में पहले से तो बहुत फ़र्क है, जो चोरियां थी ये नहीं कि नहीं थी, पहले से बहुत फ़र्क है। SHO साहब आए हैं, ये थोड़े ये इन गिल साहब हैं, इनके वजह से वारदातें रुकी हैं। जो पहले SHO थी उसमें बहुत बढ़ गया था काम। अब मेरा अभी भी यही मशवरा है इनको, पुलिस वालों को, कि ये जगह जगह पे नाके लगाएं, वारदातें रुकें। आगे महंगाई इतनी है, रोज़गार है नहीं, परेशान है लोग, घर से निकलते हैं मोबाइल खींच लेते हैं, पैसे खींच लेते हैं, ना दो तो बंदा मार देते हैं। अच्छा ये दसो कि ये क्योंकि जहरी गाल है दुकानदार जरा है पे और ज़्यादा अदम तहफुज का शिकार ई परू होंगे क्योंकि अपना दीन का वो जरा रोज़गार है पिया वो गिन के ऊँ कैश वहीना भी होंगे घर, मगर उनको ये पता नहीं होंगे कि घर में पहुँचता भी है या नहीं, वो इंदे होते क्या? देखो जी, हुन असी मैं दुकानदार हाँ, हुन मैं दोपहर के टाइम जिमें सेल होंगी है, मैं तो डर डर के घर, मैं सेल किमें, मैं तो सीधा बैंक जाके जमा करा दिना सेल कि मैं घर तक जाते जाते मेरे ख़त्म हो जाएंगे। हुन निकलो दुकान तो डर डर के निकलते हैं कि अगे चोर ना खड़ा हो। मेरा यही पुलिस वाले मुतालबा वा कि बई नाके ला दिते जान मेन मेन चौक ते, कि ताकि डाकू भी होशियार रहने के पुलिस साढ़े पिछे आ, इंशाल्लाह तावुन करेंगे। SHO साहब आए ने, उन्होंने वह ने इधर काफ़ी वो परे। अच्छा ये तो चलो ई इलाके का है ना कि इतना सुकून है, बाकी जड़े इलाके न्यू मुल्तान समेजाबाद थी गया, बाकी इलाके उतना दे हालात जो है ना बदतर है। सर जी, असी तो अपने इलाके च रहने सन तो इधर का पता, हूँ उधर अल्लाह बेहतर जानता की है उधर की नहीं है। मैं तो अल्लाह को ले ही दुआ वा, हर बंद अल्लाह पाक हर बंदे से अपनी रहमत अता फरमावे, कोई ऐसी वारदात ना हो। हर बंदा गरीब बंदे आ, जो दिहाड़ीदार 1000 रुपया भी कढ़ लैंदे ने, 1000 भी नहीं छड़दे डाकू, तो मोटरसाइकिल खिंच लैंदे, साइकिल खिंच लैंदे, पिछे की रह गए। ठीक है, बिल्कुल जारी गल है कि आदम तहफुज का शहरी शिकार इन पे, कोई भी चीज़ उन्हें कने होवे ओ गिन गिन। अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम। अच्छा ये दसो कि इलाके दे विच न्यू मुल्तान शाहरुख ने आलम बाकी जगह के उत्ते वारदातें बहुत ज़्यादा वध गई नहीं, इन्हें क्या ये तो यही आखते हैं कि क्या नाम है, वाकई वारदातें तो बहुत है, बंदा महफूज है ही नहीं, घरों घर तो निकलता है तो समझ नहीं आती, अगे खड़े होंगे ने शोदे, तो इधर काफ़ी मुंडिया नाल वारदात हो चुकी है इस एरिए दे विच, तो असी तो यही कहेंगे पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए जी। अच्छा वारदात तो बाद FIR भी थी गई, FIR तो बाद मुलजमान गिरफ्तारी दी, CCTV भी आ वैंदी, वल भी नहीं गिरफ्तार कर सकते पुलिस वाले, उन्दे ते क्या? फिर ते अफसोस होंदा है पुलिस ते कि सब कुछ होने तो बावजूद फिर ना गिरफ्तारी होंदी है ना कुछ होंदा, फिर गरीब बंदा क्या करे दसो जी। तुसा क्या कहना
मैं इस सिलसिले का जो डिस्कस किया है कि एफ आई आर भी होती वीडियो भी होती है, मैं खुद विक्टम हाँ। मेरी खुद दो एफ आई आर न्यू मुल्तान शाहरुख नगर लॉन्च ने सियासी कारकुन मार्केट के ताजर हवाले असा वाल उन्होंने थोड़ा जहा पुलिस वाले कंपनसेट भी कराने। दूसरी गल ये कि तुसा ये देखो कि जो महंगाई का आलम है वह वारदात आने बाद ज़्यादा बद गई हैं। रियासत माँ जैसा सलूक नहीं करेंदी पई, आवाम तंग है, कारोबार है कोई ना, बेरोजगार लोग होंदे पे क्या कर रहे सन, वो इो कुछ कर रहे सन। अज सफेद पोश तक जड़ा तबका है भी आ बुरा हाल होंदा है, गरीब तो गरीब भाई, अमीर तो अमीर तो अमीर होंदा भी है, लेकिन जड़ा सफेद पोश इज्जत बजाए बैठा ही उन्दे वास्ते परेशानी का बायस है। कारोबार का हाल तुसा क्या दसूँ कि कारोबार है कोई ना, कपड़ा महंगा थी गई है, मार्जिन घट थी गई है, तो आवाम जड़ी है उनकी प्रायोरिटी किचन है, क्योंकि घी ऑयल और ये जो बाकी अशिया खुर्दनोश हैं आप उनके रेट्स देखें कि वो कहाँ जा चुके हैं। अच्छा तुसें डिसेस हो जड़ी तोड़ी एफ आई आर थी गई, वो केड़ी चीज़ दी एफ आई आर है, इनते कितना अरसा थी गया एफ आई आर थी? सही मेरे तो एक साल तो ऊपर होगी है, एक नवा होंडा सिटी मोटरसाइकिल सी, दूसरा राजधानी घर के बारों बाल मेरे को मोबाइल और स्नैपचैकिंग लै गए। तो दूसरी गल ये कि वो मैं सीसीटीवी फुटेज भी दी हर शह सामने आ गई, लेकिन हूँ तक मेरी मोटरसाइकिल कोई नहीं मिली। तुसा एक साल तो ना अपनी चीज़ा रिकवर नहीं करा सके, क्या इतने पुलिस वाले इन्ना डाकू दागू बेबस इन पे के कोई चीज़ सामने नहीं आती? असल सर साड़ा निज़ाम अदल जड़ा है सब तो बड़ा मसला है पिया, पुलिस अगर एफर्ट करेंदी भी है तो साड़िया अदालत उन्होंने रिलीफ मिल पे 101 तरीके जड़े हैं पे ओ लाकानूनीयत और उम्मीद वकील भी खड़े हो बंदे उन्हें किते सारा कुछ हो बंदा। तो मैं इंदा कसूरवार जड़ा है वो पुलिस नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि मुकम्मल कसूर पुलिस का नहीं है, बहसे ते ताजर ते शहरी मैं ये आखना चाहना कि जो कुछ ये हालात होते पेन इनकी जिम्मेवार रियासत है पई, और रियासत माँ जैसा सलूक साढ़े नाल कोई नहीं करेंदी। हाँ बिल्कुल, रियासत जड़ा है पे उन्हों का सलूक जड़ा है जड़ा के आई ने पिया माँ जैसा सलूक करे सी और कह नहीं करें पी लोगों की एफ आई आर थी गियाँ जड़ा वीडियोज़ हैं पी तमाम चीज़ा प्रोवाइड कर देवन के बावजूद अज एक साल तो इन शहरी का इन ताजर का जड़ा है पिया मुलजिम गिरफ्तार ना थी चुके हैं। इवें ही हालात इन पे मुल्तान के मुख्तलिफ जगह के उत्ते मुख्तलिफ चीज़ों के उत्ते इन वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक तो चलते थे, ब्रेक तो बाद वल हाजिर थी तू मजीद भी इन उत्ते गाल करते थे, चलते से ब्रेक ते। वेलकम बैक नाजीन, तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक असा गाल करें पे से वधी हुई जी डकैतियां हैं चोरियां हैं पियाँ उनके उत्ते ताजर बिरादरी के अलावा शहरी किवें अदम तहफुज का शिकार इन पे असा पहले जो गाल की है ताजर हैं पे शहरी भी हैं पे इवें ही तमाम तर जो चीज़ा पियाँ होर भी मौजूद हैं असा शहरी इतना बैठे इन्होंने जान गिंदे से क्या आखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये दसो कि शहर के जी चोरी डकैतियां आए रोज़ वधियां पियाँ इन उत्ते क्या आखना? बहुत ज़्यादा हो रही हैं जी, इन्हों का कंट्रोल करना चाहिए वा, मोबाइल कल और मोबाइल लैके बाहर निकलिया ही आ सही कराने वास्ते वो हाथों खोल लगे जो भी बच गया जो मोबाइल तो इतने बहुत ज़्यादा डकैतियां दिन दिहाड़े रात दिन यो काम हो रहा है, तो लिहाजा को गौरमेंट चाहिए यदा तो कोई सदेबाब करे। अच्छा ये दसो कि इतना पुलिस का गश्त वगैरह इतना कोई कह नहीं आता क्या? सानू हाँ थोड़ा थोड़ा कि जरा 12-1 बजे जरा इस पहले कोई नहीं। बिल्कुल अज है ना 12-1 बजे जरा ना पुलिस का गश्त हों और कोई भी नहीं सा होर भी शहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम सर। अच्छा ये दसो कि सर शहर के चोरिया डकैतियां वधियां पईयां घटदी कह नहीं पईयां एफ आई आर दर्ज थींदी है वल भी जो है ना मुलजिम नहीं पकड़े वैंदा इन्दे उत्ते क्या? सर देख लो अपनी हिफाजत से खुद नहीं कर सकते, जिथे चले जाओ दुकान बंद करी दी सानू अपनी इन्नी परेशानी होंदी है कि किस तरह घर पहुँचांगे, गली दे नुक्कड़ दे किते भी चले जाओ उत्थे वारदातां हो रही ने इस मुश्किल दे विच बहुत फसे हुए हैं। अच्छा अगर एफ आई आर थी वने मतलब ताजर को आख दिन एफ आई आर ताजर कर दो आम शहरी की तो वही मुश्किल नाल कटींदी है, अगर एफ आई आर थी वने उन तो बाद रिकवरी क्या तो समझते हुए कि तो मिल वी कवरिंग कदी नहीं थी, चक्कर ला ला के थक जाते दरखास्त दे के बाद उन्हें कोई गलबात नहीं थी
ਵਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਬੈਂਦੇ ਕਿਥਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਤੋ ਹਕੂਮਤ ਕਨੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੋਂ ਜਾਓ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਵਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਨ ਪਏ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਪਈਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਥਾਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਬਸ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਇੱਥਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਥੀ ਵਨੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀ ਕਰਨੀ ਫੜਨਗੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਫੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਸ਼ਤ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਥਿਵਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਥਿਵਣੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਇੱਥਾਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਪਿਸਟਲ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆਈ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਨ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਨ ਪਏ ਖਰਾਬ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਉੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਇੱਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਣ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗਏ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਗਸ਼ਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਇਹ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਖੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਥੀ ਵੰਜੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਝਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇੱਧਰ ਤੋ 125 ਮੇਰਾ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ 125 ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮੁਝੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪਏ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋ ਤਹਫੁਜ਼ ਫਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਥੀਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ
दो महीने तो घर जाते इन्ना खौफ आता भी कित भी कोई ना घेर लिया क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई दगेटी इतने हो जाती है मार्केट के अगे पिछे बाजारा च पिछे अगे कोई दिन इस तरह का गुजरता नहीं जिस दिन कोई डकैती नहीं होंगी तो यदि रोकथाम की जाए और ये कोई गश्त वगैरह बताई जाए। अच्छा इनकी जारी गल है कि वह आखते हैं कि असा गश्त जो पुलिस का दावा है कि असा गश्त के उत्ते होने हैं अगर की अल्लाह ना करे अगर कोई थी गई एफ आई आर दर्ज थी गई सीसीटीवी फुटेज भी आवे दी क्या कदम सुने कि रिकवरी थी गई ये बारे च इन्ना मालूम नहीं लेकिन रिकवरी मैं देखी नहीं कि होंगी। हाँ जी क्योंकि जो खो हो फिर मुड़ के लभदा नहीं। बिल्कुल अगर शहरी जरा पिया इतने ज़्यादा अदम तहफुज का शिकार है कि जरा घरों बाहर जिमें तुम आके अस घर वह मसाइल है आखिर इनका हल क्या तुम अपनी नज़र समझ य हल यही है कि गश्त बधाया जाए स्ट्रीट लाइट कि लाई जा जराइम घट तो घट हो सकन। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्ट्रीट लाइट्स जरा पी और बधाई वजन मसाइल हर किसी के एको इन पे इको चीज़ है इन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चोरी डकैती जो बद गई हैं असा गाल करें दे पैसे बाजार के जोड़ा कि मुख्तलिफ लोग इत आते हैं मुख्तलिफ जब फिक्र तो ताल्लुक रखने वाले लोग जो आते हैं हालात इन पे ये तमाम तर चीज़ा इन पियाँ कि किमें तमाम तर चीज़ा थी पी अगर असं गल करूँ मुल्तान दे वेच, मुल्तान दे वेच, गुज़श्ता दिनों हालात ये आ गए हैं कि एक गुलगश्त हो गया उन तो इलावा मतेतल थी गया तो बाकी जड़े जगह हैं पे उतां आवाम ने डकैता को आप पकड़ के जड़ा है पे मार दिता कि हकूमत ने तो जड़ा है ना कोई चीज़ भी नहीं करनी हकूमत ने कोई इंसाफ नहीं देना इन्हें डकैता को पकड़न तो बाद क्योंकि पकड़न तो बाद उन्हें को जो छोड़ दिता वैद है ई पर ही उन्हें को आवाम ने पकड़ के इतना तशद्दुद किया कि वह जरा है ना अल्लाह को प्यारे थी गए मगर ये कोई इंसाफ कह नहीं रियासत अगर इंसाफ की तरफ आवे इंसाफ शहरियों को दिता वजे नाल ही जिमें चोर डकैत इन पे उन्हें वास्ते भी अगर थी वे तो बहुत ज़्यादा आवाम जरा है तहफुज का शिकार ही रहा सी। ई वेले ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक के चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी तू मजीद भी इनके गाल कर तू चलते से ब्रेक से वेलकम बैक नाजीन तो रहे पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक असा गल करें पे से जो शहर है मुल्तान के ओलिया की धरती में आए रोज़ चोरी डकैतियों के इजाफा थीना पे आखिर क्यों शहरी अदम तहफुज का शिकार हैं पे सा शहरी मौजूद हैं पे साढ़े वैसे सलीम खान जड़े हैं पे उन्हें जानी आख के इन्हों को रोके उन्हें पता नहीं कि जानी है। असलाम वालेकुम असलाम जी। अच्छा सर जरा ना तुसा क्या समझते वे कि किमें जरा शहर के वधे पैन चोरी डकैतियाँ इन तो क्या आखना चाहते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत का जो बढ़ती हुई शरह है गुर्बत की जो बढ़ती हुई शरह है ये मेन वजह है जिसकी वजह से लोग माशी तौर पर परेशान हैं और बेरोज़गार नौजवान जो हैं चोरी डकैतियाँ करके अपने मामलात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और मुल्की मामलात कारोबारी हवाले से बेहतर करने चाहिए जिससे लोगों के ये बेरोज़गारी और इसका मामला हल हो और ये डकैतियां और चोरी चकारी मोबाइल स्नैचिंग ये रुक जाए। अच्छा एडेस एसओ के मोबाइल स्नैचिंग चोरी डकैती जड़ी थी वैंदी है एफआईआर भी कई बार दबाव में आ के पुलिस वाले काट देते हैं कि भैया एफआईआर थोड़ी थी की है क्या कदे रिकवरी का सुनिया कि रिकवरी उन्होंने डे रही थी? नहीं मेरे अपने घर के यानी तीन मोबाइल जो है ना छीने गए हैं लेकिन आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं मामला के मोबाइल मिल गया हो नहीं मिलता कदे आए हो इनके हाँ जी फोन आया हुआ थोड़े भाई चोर पकड़ी गया थे आओ नहीं ऐसा नहीं है। कितना अरसा थी गया था को? ये अभी तीन चार दिन पहले जो है ना वाई ब्लॉक में छः नंबर गली में जो है ना मोबाइल छीना गया मेरे भांजे से और उससे पहले भांजी भी मेरे घर आई है तो वो बाहर निकली है तो उसका पर्स छीन के जो है ना भाग गए लोग। मतलब थोड़े घर है ना मतलब ना हूँ थोड़े घर ही ना हाँ उन रिश्तेदार ही हो आधे इनके ना हूँ थोड़े घर बिल्कुल इवें ही हालात इन पे क्या। अच्छा तुम ये दसो कि क्या मुतालबा करें पे हकूमत करें? हकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि ये सियासत की खेचातानी से निकल कर जो है कोई तवज्जो दें अपने हमसाया ममालिक से जो है बिजनेस का मामलात को बेहतर करें ताकि जिससे जो है ये माशी परेशानी इकतसादियात बेहतर होगा तो ये चोरी चकारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी।
बिल्कुल बहुत अच्छी गल है कि एक सादियात अगर हो सी जी आमदनी के मामलात इन पे वो अगर बेहतर हो सकते जहरी गल है कि चोरी चकारी के भी कमी आ सी क्योंकि जितना बेरोजगारी बढ़ी है मुल्क उतनी ज़्यादा चोरी डकैती इन इजाफा डेकन आंदा है। इो हालात इन पे इो तमाम तर चीज़ा इन पसा होर भी जो लोग इन पे असा उन्होंने गाल करेंगे से जो मुख्तलिफ मकाम उ खड़े इन पे असा गुलशन मार्केट जो है ना चौक के उ मौजूद इसे तो इतना जो है ना शहरिया नाल गाल करेंगे पे हैं कि वो इन उ क्या आखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर आए रोज़ चोरी डकैती का तुम सुनते हो सो दोस्तों नाल भी जो ना कोई होया हो सी क्या समझते वे कि इनकी बड़ी वजह क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से ज़्यादा काम मामलात ख़राब हैं। रोज़गार होगा फिर कौन ये करेगा, बस यही मामला ज़्यादातर बेरोजगारी है, बेरोजगारी इसकी वजह। अच्छा ये दसो कि चोरी डकैती तो बाद जो FIR थी गई CCTV फोटेज भी सामने आ पैंती है मुलजमान पुलिस को कई बार पता भी होंगे कि यार इो करेंगे पे ई इलाके पकड़ती क्यों कह नहीं क्या वजह? पता नहीं है जी अल्लाह बेहतर जानता। इसका कोई खास लाए अमल नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है इस मुल्क में ना, कानून की कानून का पता ही नहीं है। जो पता भी होता है पुलिस को कि ज़्यादातर चोरों का जो कि उनके तो उनमें दर्ज होते हैं कि कौन है कौन नहीं कौन से इलाके के चोर है कौन, लेकिन कोई इसका को खास रद्द अमल नहीं होता। अच्छा ये दसो कि जोड़ा इलाका थोड़ा है जितना तुम्हारा रिहायशी वे क्या इतना पुलिस का गश्त कदम देखे या अंधे गश्त वास्ते डेली? नहीं नहीं पुलिस तो गश्त करें दी है, इवें नहीं पुलिस नहीं गश्त करें दी, पुलिस तो गश्त करें दी है। बस क्या कह सकते जिंदी वो कहते ना जिंदी लाठी होंगी बैस जिंदे असर रसूख है उनका काम थी वेंदा वरना नहीं काम होता कि बिल्कुल इवें ही है कि जिंदी लाठी होंगी बैंस इो ही हालात इन पे इो ही तमाम तर चीज़ा इन पसा गाल करें पे अस मौजूद इसे मुल्तान दे ना पोश इलाका है पिया गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान असा मौजूद इसे इतना दे हालात क्या हैं आए रोज़ जड़े ताजर हैं पे शहरी हैं रोड ब्लॉक करें दे मुख्तलिफ मामलात इन पे मगर आज तक जड़े चोर डकैत इन पे वो नहीं पकड़े गए। CCTV फोटेज मौजूद होंगी चीज़ा FIR जड़ा है ना कटीज वी सब कुछ पुलिस शहरी को जिन्हें नाल ये थिया पे आंदा वकुआ उन्दों को मुकम्मल तौर पर तसली देवन वास्ते बहुत ज़्यादा हरबे जड़ा ना इस्तेमाल करें दी है मगर एक उनकी किताबा दे विच जड़ा उनकी रिकवरी है वो कह नहीं इवें ही हालात इन पे इो ही तमाम तर चीज़ा इन पियाँ असा अगू भी चलसूँ तो मजीद भी शहरिया नाल जड़ा है ना गाल करें कि वो इंदे उते क्या आखदे चलते से अगू तो गाल करें। बिल्कुल असा गाल करें पैसे जड़े कि चोरी डकैती वधी पई है उनके उते शहरी क्या आखदे असा अगर जी जगह मौजूद ही से अगर असा गाल इं चौक दी करूँ तो रात का टाइम है इतना कोई भी पुलिस एहलकार कोई कह नहीं नाल मोबाइल मार्केट है नाल दूजी मार्केट है इस अलावा वे होटल इन पे बैंक इन पे बहुत सारे इन पे किसी किस्म का कोई भी इतना जो है ना पुलिस एहलकार मौजूद क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा इन चौक के उत्ते पुलिस वाले क्या खड़े होंगे ना जी? अजय पुलिस वाले तो आते हैं लेकिन उनके बावजूद ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे तो लेकिन उनके बावजूद शाहरुख आलम टी चौक के उत्ते बहुत सारी डकैती होती पे खास तौर पर मोबाइल्स मोबाइल चोरी थे पेन इन अलावा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चोरी थे पेन लोग लेट नाइट तक मुख्तलिफ स्पॉट्स से बांधते हैं खास तौर पर जी चावं वाले स्पॉट्स हैं इन्हें तो काफ़ी देर तक ये लोग बैठे रहते हैं ये चेक करें रहते हैं कि बंदा जड़ा ना इतों गुजरता भी है तो कि बंदा जड़ा इतने मुसलसल अपने अच्छे को मोबाइल खिन के बहुत भी है तो उन्हें जिमें भी आते हैं उनके नाल वो चले वेंदन तो वो अपने मोबाइल्स स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है बाइक स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है इस वास्ते रिक्वेस्ट की वेंदी है कि एक तो पुलिस वाले उत्थे आने चाहिए तो दूजा है कि लाइट्स का इंतजाम किया वजना चाहिए स्ट्रीट लाइट्स का मेजर चीज़ जी है। अच्छा दसो कि FIR दर्ज थी गई तसली देवन वास्ते क्या रिकवरी वगैरह भी पुलिस वाले दे दें? सर अजे तक तो कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आया जितने भी है इस वक्त तक वाकयात हैं तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ अलबत् कोई एक आध कोई ऐसा कोई चांस नज़र आवेंदे जिन्हों को 15 मौके पर पहुँच वेंदी है तो उस सूरत होवेंदे अदरवाइज कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आया। बिल्कुल इवें ही हालात इन पर कोई किसी किस्म का सीन जो है ना नज़र नहीं आता
शहरी अदम तहफुज का शिकार होते हैं। अच्छा ये दसो कि शहर के चोरी डकैती वधी पई हैं, इंदे ते क्या आखदे? बस इंदे ते अपना डीसी साहब को अपना कंट्रोल करना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को इन चीज़ों से तवज्जो देनी चाहिए, जो बिल्कुल तवज्जो इन पास कह नहीं, जिंद वजह का अपना रोज़ मोटरसाइकिल लोग आते हैं जड़ा है ना पिस्टल दिखाने अपना सब कुछ खेने, आवाम को अदम तहफुज का शिकार है आवाम। इवें लगता है कि कोई हुकूमत कह नहीं, कोई शह कह नहीं, ठीक है ना जी। तो आवाम ठीक है पिछू ट्रैफिक का इशू है, बिल्कुल जारी गल है थोड़ा जो है ना व्यूज़ आ गया किमें जो है ना वो तमाम तर चीज़ें पे इवें ही है हालात ये तमाम तर मुल्तान के मुख्य मकाम के उत्ते जड़े असा विजिट किया असा शहरियों कने जाने इवें ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक के चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी तो मजीद इन उत्ते गाल करे थे चलते से ब्रेक से। वेलकम बैक नाजीन तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक असा गाल करेंगे पे थे मुल्तान के चोरी डकैतियों के इजाफा जरा पे है, क्या पुलिस आए गश्त करें दे, नहीं करें दे? उन तो इलावा अगर किसी की चोरी या डकैती थी वैंती है उन तो बाद क्या रिकवरी थी या नहीं थी? क्योंकि शहरियों का दावा है कि असा कितनी बारी जरा सीसीटीवी फुटेज है वो भी दीती शिनाख्त भी करवाई कि यह बंदा आई मगर पुलिस उकू पकड़न विच नाकाम नज़र आती है, अगर पकड़ भी गिंदी है तो उन्ना कर रिकवरी जरा है ना नहीं थी सकती। साढ़े नाल शहरी मौजूद हैं असा शहरियों कने जानते पैसे वो इंदे ते क्या आखदे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम असलाम जी। हाई साहब तुसां ये दसो कि मुल्तान दे विच चोरी डकैती वधी पई इंदे ते क्या आखना चाहते? सही बहुत बुरे हालात हैं, जिहड़ी महंगाई थी खड़ी है ना, महंगाई की वजह नाल हर कोई डकैती ते आए खड़े ते हर जितने कैमरिया के सामने रिकॉर्डिंग ही आ वजे तो पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे, आँदे कह नहीं गश्ती कह नहीं करें, अगर कोई वारदात थी वजे सड़ गिनो घंटा घंटा डूडू घंटे तो पहुँचते कह नहीं, वल आई वजन तो उन्होंने को अगर सीसीटीवी के फोटो दे ही दे तो वल ही कुछ नहीं थी सही, बस कोई हाल कोई नहीं, आवाम को उन्होंने हाल तो छोड़ा हो जिमें मर्जी जरा लुटमार करो तो कोई पूछने वाला कोई नहीं सही। अच्छा ये दसो कि शहर के बहुत ज़्यादा जाना हूँ इन दो त्रै महीनों के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी क्या वजह देखते सही? इनकी वजह यो थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी गई है, महंगाई तो जरा अखराजात लोगों के पूरे नहीं थे पे, हम सीधे रस्ते तो पूरे थींदे नहीं, उन्होंने आके चलो जी ये काम शुरू कर गए ना, कोई पूछने वाला तो है नहीं, जो वारदात करेंगे उन्होंने कोई कहीं नहीं पूछना कह नहीं पकड़ना कह नहीं, तो ये गल तो सही वारदात बहुत बढ़ गई है महंगाई की वजह तो। अगर FIR थी वजे FIR तो बाद तो कितनी हद तक उम्मीद आती है कि रिकवरी थी वैसे? नहीं सही 1% ही उम्मीद कह नहीं आती सही, पुलिस वाले अव्वल तो FIR करें कह नहीं, अगर कर ही गए सही तो उनका कोई पूछने वाला कह नहीं होता, वो कुछ जरा दफ्तर दाखिल करके तो खत्म या उन्होंने मुकमका करके तो कहानी खत्म, मालका को कुछ नहीं मिलता सही। जो इलाका है क्या उतना पुलिस का गश्त होता है? नहीं सही असा तो नहीं डिठा पुलिस को आते कड़न आ वजे भुले चुके कोई महीने छह महीने छे कभी दफा नजर आ वजे नहीं तो कोई पता क्या नहीं लगता सही। तो क्या मुतालबा हुकूमत कने करें दे वे? सही सब तो वड्डी गल तो यही है सही, अगर ये महंगाई को कंट्रोल करन वारदात आपे घटती वे सन, और पुलिस जो जिमें बाकी कामों से सख्ती करें दी है मुजरिम जो पकड़ना चाहन एक मिनट ज पकड़ गिनते हैं, अगर वारदात करने वाले को पकड़ गिन छोड़न गए ना उन्होंने को सजा मिले तो आपे घट वे सी है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी गल है कि वारदात अगर करते अगर कैफे किरदार तक पहुँचावन तो वारदात रोक वैसे होर भी शहरी मौजूद हैं इन्हें भी जानते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा तुसा क्या समझते हो तो सुनते खड़े आवे कि छह इतनी ज्यादा चोरी डकैती बढ़ गई है ना इन उत्ते क्या समझते हो? सर जो महंगाई का मसला चले ना ये जनाब गली गली जो हम डकैती चोरी आम थी गई है जिदा पुलिस से मुल्तान इंतजाम ने कंट्रोल कोई नहीं है पिया, ठीक है ना असा क्या कर सकते हैं चुप करके घर बह बने पुलिस तो ही कोई अच्छी उम्मीद सानू नहीं आती है, ठीक है ना सिर्फ एक चक्कर लवा सकते हैं थाने दे, ठीक है ना जी बस जी तनखा दे देने सकूँ, ठीक है बस गल यही थी तक है। अगर बड़े सारे लोग इन पे आखते असा CCTV फुटेज भी दी FIR दी गई वल भी मुलजिम नहीं पकड़े वैंदे क्या समझते सर? ये देखो ना गल कि ये पिछू जो ना ये पूरे ग्रोह हैं पे, ठीक है ना ठीक है ना ये इंतजामिया एक्शन ही नहीं लेंदी इस चीज़ से वक्ती तौर पर खाना पूरी की आए जी बस ठीक है लिख पढ़ की CCTV कैमरे देख के ठीक है करे सू बस ओके रिपोर्ट दे के चले गए साढ़े वास्ते ये सानू इंतजामिया कोई इन्हें कोऑपरेट या तावन नहीं करें दी है इतने सिक्योरिटी इतने मसाइल हैं पे कि कोई इतने गश्त कोई नहीं है भी कोई इतने जाना ठीक है ना वारदात होनी अद्धे घंटे 15 करो पहले तो आंदे ही कह रही हैं त्रै दफा 15 करो वाल घंटे बाद अद्धे घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुँचती है। अच्छा ये दसो कि अगर मौके पर आ वजे जारी गल खाना पूरी करनी
क्या समझते हो कि इन वास्ते क्या आखिर हिकमत अमली इन हिकमत अमली होने थोड़ा गश्त बधाया वे समझ आई फॉरन एक्शन ले वजन कोई ग्रुप सैन पे इन्होंने पकड़िया वे बगैरा इन्वेस्टिगेशन कोई सिस्टम ठीक है इन्होंने तफशीश हो पूरा नैटवर्क इतने चलता पी है ये सारा मुल्तान कराची बना पी यकीन अच्छा जे तो समझते हो कि नैटवर्क के जहरी गल है कि पुलिस को पता होता है कि उनके इलाके में कड़े बदमाश हैं पे कि तमाम रिकॉर्ड होता पे है उनके बावजूद बंदे को ना पकड़ना डकैतों को चोरों को क्या समझते हैं सर असर रसूख लोग होने समझ आने तलोक वाले होने ठीक है ना इन्होंने पिछले पुश नहीं होंगी उस बगैर एक काम नहीं हो सकता ठीक है ना ये जनाब जो मुल्तान इंतजाम अपील करें बराए मेहरबानी इन्हें कंट्रोल किया वे ठीक है ना सानू हिफाजत दी वे सानू तोहफा फराहम किया वे असर यकीन करके हूँ 2000 रुपये जेब में पा के घर बाहर ही निकल सकते हैं ठीक है ना बोल बिल्कुल सही गल है कि लोग इतना अदम तहफुज का शिकार इन पे कि पैसे तो बगैर जरा है ना वो निकल दें कि कहीं भी चोरी या डकैती डकैत जरा ना आ सकते हैं तो अपनी कीमती अशिया कने उन्हें को महरूम जरा है वो कर सकते हैं जितना असा मौजूद इसे अगर इं चौक की असा गाल करूँ तो रश बहुत ज़्यादा है पिया ट्रैफिक आए तो होंगे क्या नहीं उन तो इलावा शाम के टाइम जी पुलिस की गश्त है वह भी इतना कितने ही क्या नहीं कोई एक जरा ना पुलिस आला इतना सकू नहीं दिखता पाया कि कोई पुलिस आला हो कोई किसी सिक्योरिटी के वास्ते चैकिंग हो बहुत सारे मसाइल इवें ही मुल्तान के मुख्तलिफ मकाम बने हुए चौकों के बच्चे मुख्तलिफ जगह के उत्ते हैं पे कि किवें कितना कुछ इतना मसाइल इन पे मगर आखिर इंदे उत्ते किवें काबू पाया हुआ सी इंदे उत्ते किवें तमाम तर चीज़ा की वैसे पंजाब पुलिस की तरफों हुण थोड़ी बेहतरी वास्ते आई जी पंजाब की तरफों अहकामात इनके फौरी तौर उत्ते FIR की वजे मुदई नाल अजा राबता किया वजे मगर उनके बावजूद भी जो SHO है पिया उन तो इलावा पुलिस का उन इलाके का अमला है पिया वो इतना ज़्यादा जाना करप्ट है पिया इतना ज़्यादा इंजर्ड थी चुके इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि किसी किस्म की वो पुलिस जोड़ा है ना शहरी को तहफुज नहीं फराम कर सकती इतना जी शहरी सारी गल थी उन्होंने यो आखना है कि तमाम तर शवाहिद होवन के बावजूद भी साकू अज तक जी रिकवरी है वह नहीं थी सकी नहीं की गई ये भी सवाल निशान है ई दुआ दे नाल असां जिहड़ा ना प्रोग्राम का इख्तिताम करने हैं कि अल्लाह पाक साढ़े मुल्क को सलामत रखे तो जिहड़ा अमन है पिया तमाम शहरों में कायम रहे असां उम्मीद भी करने हैं तमाम फोर्सिस करें असां उम्मीद करने हैं कि जिहड़ा शहरी है पिया उन्हां को तहफुज मिले ताकि जिहड़ा ना सुकून की जिंदगी जिहड़ा उनको हक है पिया वो उनको मिल सके ये प्रोग्राम में इतना ही अगले प्रोग्राम नवे टॉपिक नवी चीज़ों एक बार हवाले हाजिर थी सूँ अल्लाह सोने के हवाले।